एपिसोड 2 IG-11 का मेमोरी सर्किट ढूंढने मैंडो टैटूइन की ओर निकल पड़ा, जहां के लोग पॉट रेसिंग के नए सीजन के मजे ले रहे थे। पहली मोटो अपने गैराज में एक रोडियन कस्टमर को चूना लगा रही थी कि तभी वहां मैंडो और ग्रोगू आ गए। पहली को देखते ही ग्रोगू कूद कर उसकी गोद में चला गया। पहली भी ग्रोगू से मिलकर उतना ही खुश थी। अनफॉर्चुनेटली मैंडो को जिस मेमोरी सर्किट की तलाश थी वो वाकई में काफी रेयर था। इवन जावाज भी इसका जुगाड़ नहीं कर सकते। फिर पहली के थोड़ा उकसाने के बाद मैंडो एक काम चलाऊ R5 ड्रॉइड लेने के लिए तैयार हो गया। ये ड्रॉइड दिखने में एकदम न्यू होप वाले R5 ड्रॉइड की तरह था, जो एकदम लास्ट मोमेंट पर रिजेक्ट होकर R2-D2 के साथ रिप्लेस हो गया। या तो ये बस एक ईस्टर एग है, या फिर वाकई में ये सेम R5 यूनिट होगा। टैटूइन में बूंटायू फेस्टिवल चला था। फिर मैंडो को फ्लैट 50% सीजनल डिस्काउंट देकर पहली ने उस R5 ड्रॉइड को N1 स्टार फाइटर के ड्रॉइड सॉकेट में लगा दिया। इस चक्कर में बेचारे ग्रोगू की बालकनी सीट चली गई। फिर बूंटायू पटाखों के मजे लेने के बाद मैंडो और ग्रोगू सीधा प्लैनेट मैंडलोर की ओर निकल पड़े। मैंडलोर के सिस्टम में पहुंचते ही मैंडो ने ग्रोगू को अपना घर दिखाया। बोबा फेट की तरह ही मैंडो भी इस कॉन्कोडिया मून पर पला बड़ा था। इसने भी आज तक कभी प्लैनेट मैंडलोर की जमीन पर कदम नहीं रखा, तो ये ग्रोगू और मैंडो दोनों के लिए फर्स्ट टाइम था। लैंड होने से पहले मैंडो ने ग्रोगू को शिप कंसोल का मैप पढ़ना सिखाया, जस्ट इनके अगर फ्यूचर में कभी ग्रोगू को जरूरत पड़े तो, जो कि बहुत जल्दी पड़ने वाली थी। ग्रोगू को मैप्स पर क्रैश कोर्स देकर मैंडो शिप को लैंडिंग के लिए ले गया। एम्पायर के फ्यूजन बॉम्ब्स ने मैंडलोर की जमीन को पूरी तरह से क्रिस्टलाइज कर दिया था। उसी की वजह से मैंडलोर की मैग्नेटिक फील्ड में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। यानी एक बार प्लैनेट पर लैंड होते ही बाहर की दुनिया से इनके सारे कनेक्शंस टूट जाएंगे। नीचे लैंड होते ही मैंडो ने R5 को आसपास का एनवायरनमेंट चेक करने भेजा। मैंडो और ग्रोगू शिप में बैठे R5 को अंदर से ट्रैक कर रहे थे। सिविक सेंटर वाली गुफा के थोड़ा अंदर जाते ही R5 से सिग्नल मिलना बंद हो गया। फिर ग्रोगू की जिद करने के बाद मैंडो अपने हेलमेट को प्रेशराइज्ड करके R5 को ढूंढने चला गया। R5 के पीछे पीछे मैंडो भी इस गुफा में घुस गया, जहां उसका सामना कुछ एलियन से हुआ। ये एलामाइट्स नामी प्रजाति बॉम्बिंग से पहले शहर से काफी दूर रहा करते थे। एम्पायर के हमले के बाद सब तबाह होते ही शायद ये भी शहर की तरफ माइग्रेट हो गए। एनीवेज मैंडो ने डार्क सेबर की मदद से किसी तरह उन एलामाइट्स को मार दिया और R5 को लेकर गुफा से बाहर चला आया। मैंडो समझ गया कि अगर एलामाइट्स इस एनवायरमेंट में जिंदा रह सकते हैं, यानी मैंडलोर की हवा जहरीली नहीं होगी। फिर R5 से क्विक एटमॉस्फेयर टेस्ट करवाने के बाद मैंडो को पता चला कि मैंडलोर का AQI लेवल तो मुंबई दिल्ली से भी कहीं ज्यादा बेटर है। यानी यहां ये दोनों बिना प्रेशराइज मास्क पहने खुली हवा में सांस ले सकते हैं। फिर मैंडो और ग्रोगू लिविंग वाटर की तलाश में सुंदारी शहर के सिविक सेंटर में पहुंच गए। बॉम्बिंग के बाद सुंदारी शहर की सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये शहर अब एक खंडर बन गया है। सिविक सेंटर के अंडरग्राउंड रास्तों से होते होते ये माइंस की ओर निकल पड़े कि तभी मैंडो को जमीन में गिरा एक मैंडलोरियन हेलमेट दिखा। उस हेलमेट को उठाने के कुछ देर बाद ही एक ड्रॉइड ने मैंडो को पकड़कर बेहोश कर दिया। ग्रोगू समय रहते कोना पकड़ के छुप गया था। उस ड्रॉइड ने मैंडो को अपने अड्डे पर ले जाकर एक केज में बंद कर दिया। ग्रोगू भी चुपके से उस ड्रॉइड के पीछे पीछे यहां चला आया। देख के लग रहा था कि ये ड्रॉइड मैंडो को किसी रिसोर्स की तरह यूज करने वाला है। मैंडो को केज में बंद करके वो ड्रॉइड अपना सिस्टम डाउनग्रेड करके उसे चेक करने चला गया। ये बायोमैकेनिकल ड्रॉइड जब चाहे तब नए बॉडीज के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकता है। वो ड्रॉइड एक एक करके मैंडो के हथियार जमीन पर फेंक रहा था। मैंडो पर अब भी उस नशीली डोज का असर था। ड्रॉइड के जाते ही ग्रोगू ने फोर्स पावर्स की मदद से मैंडो को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आवाज सुनकर वो ड्रॉइड फिर से वापस आ गया। मैंडो ने ग्रोगू को बताया कि वो फौरन यहां से निकलकर बो कटान के पास चला जाए। ये सुनते ही ग्रोगू अपने पॉड में बैठकर बाहर शिप की ओर निकल पड़ा। ड्रॉइड और अंडरग्राउंड क्रीचर से बाल बाल बचकर ग्रोगू किसी तरह N1 स्टार फाइटर में बैठ गया। फिर अपने हाल ही में सीखे मैप पढ़ने के स्किल्स की मदद से ग्रोगू ने R5 को कलवाला की लोकेशन बता दी। बोकटान मैंडो के शिप को वापस आता देख काफी गुस्सा थी, लेकिन शिप के अंदर सिर्फ ग्रोगू को देखकर उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। R5 एस्ट्रोमेक ड्रॉइड से नेविगेशन डेटा निकालकर बो समझ गई कि डिंजारिन प्लैनेट मैंडलोर पर अटका हुआ है। फिर बोकटान ग्रोगू और R5 को अपनी शिप में लेकर मैंडो को बचाने चली गई। मैंडलोर की करंट कंडीशन देखकर बोकटान को काफी बुरा लगा। इसने ग्रोगू को बताया कि किसी जमाने में ये प्लैनेट काफी खूबसूरत हुआ करता था। याद है ना, बोकटान खुद मैंडलोर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी।
सुंदारी सिविक सेंटर पहुंचते ही बोगटान ग्रोगु के पीछे पीछे मैंडो को ढूंढने चली गई। रास्ते में इसने ग्रोगु को बताया कि किसी जमाने में मैंडलोरियंस और जेडाइस साथ मिलकर लड़ा करते थे। फिर बोगटान का ध्यान गुफा के ऊपर छुपे एलामाइट्स पर गया। बोगटान ने अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाकर इन एलामाइट्स को बड़ी आसानी से हरा दिया। अगर मैंडलोर पर एलामाइट जिंदा है तो हो सकता है कि बाकी और भी स्पीसीज बच गए होंगे। वो ड्रॉइड मैंडो को किसी पंपिंग मशीन से कनेक्ट करके उसका खून निकाल रहा था, तभी वहां बोगटान आ गई। उस ड्रॉइड का शॉकिंग स्पीयर बोगटान पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बोगटान ने जमीन पर पड़ी डार्क सेबर उठाकर उस ड्रॉइड को काट दिया। वो ड्रॉइड का सीपीयू फौरन एक बॉडी से निकलकर अपग्रेड होने दूसरी बड़ी बॉडी में घुस गया, लेकिन बोगटान ने डार्क सेबर से इस बड़े से ड्रॉइड को भी मक्खन की तरह काट दिया, इंडिकेटिंग कि सही हाथों में डार्क सेबर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। मैंडो को तो इसके साथ तीन एलिमेंट से लड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैंडो के होश में आते ही बोगटान ने उसे ट्रेडिशनल सूप पिलाया। मैंडलोर से बाहर पला बड़ा होने की वजह से डिनजानिन को इस फेमस सूप के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर बोगटान को थैंक यू बोलकर मैंडो अपने मिशन पर आगे बढ़ने लगा। बोगटान का यह एहसान मैंडो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बोगटान तो यह देखकर हैरान थी कि इतना होने के बावजूद भी इसे लिविंग वाटर में डुबकी लगानी है। सरप्राइजिंगली बोगटान ने इसे बताया कि वो खुद रास्ता दिखाकर मैंडो को लिविंग वाटर्स लेकर जाएगी। या तो यह मैंडो के कट्टर बिलीव्स देखकर पिघल गई, या फिर बोगटान के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। माइंड से होते हुए ये सारे आखिरकार लिविंग वाटर्स के पास पहुंच गए। फिर मैंडो को एकदम प्रोफेशनल गाइड की तरह टूर देने बोगटान ने उसे लिविंग वाटर्स के पास बना बोर्ड पढ़कर सुनाया। कहा जाता है कि ये वही गुफा है जहां मैंडलोर द ग्रेट को मिथोसॉर मिला था। फिर उस मिथोसॉर को काबू में करके मैंडलोर द ग्रेट प्लैनेट मैंडलोर का लीडर बना। तब से ये मिथोसॉर का सर मैंडलोरियन क्रीड का मेन सिंबल बन गया। बोगटान को ये सब बच्चों वाली कहानियां लगती हैं। ये मिथिकल मिथोसॉर और मैंडलोरियन द ग्रेट ऐसा कुछ नहीं था। उसे तो बोर्ड पढ़ते पढ़ते भी हंसी आ रही थी। लेकिन मैंडो बोगटान की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके रिचुअल्स पूरे करने लिविंग वाटर में चला गया। पानी में उतरने के कुछ देर बाद ही मैंडो ढप से अंदर डूब गया। बोगटान फौरन उसे बचाने पानी के अंदर कूद गई। ये लिविंग वाटर्स का रिजर्व जितना बाहर से दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंडो नीचे तह में बेहोश पड़ा था। बोगटान उसे उठाकर फौरन ऊपर की तरफ ले गई। ऊपर जाते वक्त बोगटान का सामना एक बड़े से मिथोसॉर से हुआ। ये देखकर बोगटान फुल ऑन पैनिक मोड में अपना जेट पैक चलाकर पानी से बाहर आ गई। बोगटान को अब तक लग रहा था कि ये मिथोसॉर की प्रजाति कब की लुप्त हो गई थी, लेकिन इस मिथोसॉर का पानी में मिलना इस बात का साफ सबूत था कि मैंडलोर द ग्रेट के किस्से शायद वाकई में सच हैं। आज के बाद बोगटान का मैंडो को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैंडो उसे क्रीड के रिचुअल्स आंखें बंद करके ऐसे ही फॉलो नहीं करता। दिस इज द वे। और यहां होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।